वन या फिर नोकिया एक्स सेवन की। जी हाँ, मेरा नाम है लोकेश कुमार, और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस ब्यूटी को अनबॉक्स करते हैं। जी हाँ, बॉक्स खोलते हैं, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों, बॉक्स खोला, फ़ोन निकला। जी हाँ, बिल्कुल फ़ोन है। इसके नीचे देखते हैं क्या है। जी हाँ, एक सिम इजेक्ट ट्रे है जो, जी हाँ। और दूसरे जो डब्बे हैं उसको खोलते हैं। इसके अंदर आपको मिल जाते हैं एक चार्जर, जी हाँ, एक डाटा केबल, जी हाँ, एक हैंड फ्री, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, हैंड फ्री मिल जाता है आपको, बहुत ही अच्छे दिखने वाले हैंड फ्री। जी हाँ, कान के अंदर बिल्कुल फिट बैठेगी। तो नोकिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छी बात है, माइक के साथ हैंड फ्री दे रहा है। जी हाँ, विदाउट माइक नहीं, विद माइक। चलिए अब फ़ोन को देखते हैं। जी हाँ, पीछे नोकिया की ब्रांडिंग है, एंड्रॉयड वन की ब्रांडिंग है, जो कि एंड्रॉयड ओरियो पे आता है। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड साइड से देखिए, जी हाँ दोस्तों, बड़ी ज़बरदस्त ये जो है साइड की डिज़ाइन की हुई, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। इसका बैक आपको ग्लास का मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त। साइड में इसके सिम ट्रे है। जी हाँ, और दूसरी साइड से देखते हैं, इसमें आपको दूसरी साइड में मिलेगा वॉल्यूम की एंड पावर की। जी हाँ, वॉल्यूम की एंड पावर की दूसरी साइड। तो दोस्तों, ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है देखने को। ऊपर की साइड छोटी सी नोच है, नीचे नोकिया की ब्रांडिंग है। जो नोच है वहाँ पे आपको मिल जाता है एक कैमरा एंड एक रिसीवर। जी हाँ, पीछे की तरफ से बड़ा ही ज़बरदस्त। जी हाँ, कोई उंगलियों के निशान नहीं। नीचे की तरफ आपको टाइप सी का एक जैक मिल जाता है एंड ऊपर की तरफ आपको 3.5 mm हैंड फ्री जैक मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए इसको हम बूट करते हैं। एंड्रॉयड वन, जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बूट हो गया, ऊपर छोटी सी नोच दी हुई है जैसा कि मैंने आपको बताया, नोकिया। जी हाँ, पहले एंड्रॉयड वन, उसके बाद नोकिया, अपना नाम। जी हाँ बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और नोकिया ने कहा है, जी हाँ स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करें, सिम ट्रे अंदर डालते हैं। और मैं बताना भूल गया, जी हाँ नोकिया ने कहा कि हम अभी इसको एंड्रॉयड वन पर दे रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड 8.1 पे दे रहे हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी इसमें पाई का जो है अपडेट आ जाएगा। जी हाँ, चलिए देखते हैं इसके स्पेक्स जो है वो देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉयड 8.1 पे आता है, बहुत ही ज़बरदस्त। जी हाँ, बहुत ही अच्छी बात है बिल्कुल। देखिए कितना अच्छा स्मूथ लेते हैं, टच बिल्कुल ज़बरदस्त मान रहा है दोस्तों। जो ये छोटी सी नोच है, जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए स्लाइडिंग बड़ी ही ज़बरदस्त है इसकी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें सेटिंग मिल जाती है एंड आपको इसमें एक चीज और मिलती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा जो है, ये देखिए आप किसी भी आइकन को कहीं भी सेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा दिखने वाला गुड लुकिंग फोन है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, इन हैंड फीलिंग बहुत ही अच्छी है, पकड़ने में कोई प्रेशर ही बहुत ही अच्छा। मैं एक तरफ से आपको एक बहुत ही अच्छा फोन सजेस्ट होगा दोस्तों, ये देखिए फोन। जी हाँ, फोन पे जाने पर बहुत ही अच्छी जो भी आती है नाइट लाइट। जी हाँ, इसमें ये ऑप्शन है, ब्राइटनेस लेवल आपको अच्छा मिल जाता है इसमें, वॉल पेपर है। जी हाँ, ये जो मैं आपको एक बार बताने वाला था, इसमें HDR10 डिस्प्ले। जी हाँ, इसको आपको अनेबल करना होगा, उसके बाद आपका फ़ोन और भी अच्छा दिखने लगेगा, गेमिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ोन है ये। चलिए अब हम इसके स्पेक्स की बात करेंगे दोस्तों। और हाँ, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। स्पेक्स में दोस्तों, इसमें आपको मिलेगा 4 GB RAM, 6 GB RAM। जी हाँ, इसमें आपको 3 वेरियंट मिलते हैं, 4 GB RAM, 64 GB, 6 GB RAM, 64 GB एंड 6 GB RAM, 128 GB। जी हाँ दोस्तों, 3 वेरियंट में ये फ़ोन आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है कि नोकिया ने 3 वेरिएंट में इस फ़ोन को निकाला है,
और ये चाइना में ऑब्वियसली लॉन्च हो गया है, इंडिया में भी बहुत ही जल्द ये आने वाला है। पीछे की तरफ ड्यूअल कैमरा है, जी हाँ, जिस इसकी ये ब्रांडिंग है, फिर नीचे नोकिया की ब्रांडिंग है, उसके नीचे एंड्रॉयड उनकी, जी हाँ। और फिंगरप्रिंट सेंसर भी है और एक इसमें फ्लैश भी है पीछे की तरफ, जी हाँ, ये अच्छी बात है और देखने को बहुत ही अच्छा दिखता है। आगे की तरफ इसमें बहुत ही अच्छी है। पीछे के जो कैमरे हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि जो पीछे के कैमरे हैं वो उस वो कैसे हैं, देखिए देखने में बहुत ही अच्छा पीछे का कैमरा, देखिए कितना ज़बरदस्त है। पीछे दो कैमरे जी हैं, 12 मेगापिक्सल एंड 13 मेगापिक्सल, जो कि आपको f/1.8 अपर्चर पर मिलता है, जी हाँ। आप इसको यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जी हाँ, देखिए ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि आप इसको इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जी हाँ। इसमें आपको स्लो मोशन देखिए लाइव और इस पर नॉर्मल भी, लाइव पर आप जाकर डायरेक्टली यूट्यूब फेसबुक पर वगैरह पे लाइव जा सकते हैं, स्लो मोशन वीडियो आप इसमें बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए आप इसे डायरेक्ट लाइव पर जा सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे लाइव जा सकते हैं आप। इसमें पांडा के जो स्टिकर हैं वो भी अच्छे दिखे हैं। चलिए हम इसको यूज़ करके देखते हैं, फ्रंट कैमरा यूज़ करके देखते हैं। ये देखिए फ्रंट कैमरा मेरे को बहुत ही अच्छा दिखता है, इसका जो इसमें फ्रंट कैमरा दिया हुआ है वो ओबियसली आपको मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का, जो कि 2.0 f/4 पे आता है। आप इसमें FHD 1080 की है रेजोल्यूशन के साथ शूट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, आपको इसकी जो स्क्रीन साइज है वो मिल जाती है कुछ 6.18 इंच FHD फुल HD डिस्प्ले, और जो इसका आपको मिलता है क्वाड कोलम स्नैपड्रैगन 110 का प्रोसेसर, जो कि बहुत ही लेटेस्ट है। ये देखिए पांडा के जो है तस्वीरें, कितने अच्छे स्टिकर्स, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए क्या जबरदस्त फ़ोन बनाया नोकिया ने। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप ये फ़ोन लेते हैं। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आपको 3 वेरियंट मिलता है, जो कि आपको मिल जाता है 4 GB एंड 64 GB वाला जो वेरियंट है वो आपको 18,000 के आसपास में मिलेगा, जी हाँ, चाइना के हिसाब से। एंड 6 GB 64 वाला 21 के आसपास, और 6 GB 128 वाला आपको 25 के आसपास में मिलेगा। जिसमें को 4 GB 64 एंड 6 GB 64 वाला वैल्यू फॉर मनी लगा, और ये ओनर प्ले वगैरह को बहुत ही अच्छी टक्कर देगा, जी हाँ, उसका मार्केट खा जाएगा ओनर प्ले या फिर 20 के रेंज में जो और फोन है उनको, जी हाँ। पीछे की तरफ नोकिया की ब्रांडिंग है, बड़ा ही ज़बरदस्त देखने को, देखिए जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा फ़ोन दिख रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, एंड चलिए दोस्तों अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।